फ्रांस कडून खरेदी केलेली राफेल ही लढाऊ विमान आज भारतीय वायुदलात औपचारिकरित्या दाखल होत आहेत। वायुदलाच्या शानदार समारंभात राफेल आज वायुदलात दाखल होतील। 29 जुलैला ही पहिली 5 राफेल विमान भारतात अंबाला बेसवर दाखल झाली। अंबाला एअरबेसवर आज सकाळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री फ्लॉरेन्स पार्ली यांच्या उपस्थितीत पहिली 5 राफेल विमान औपचारिकरित्या वायुदलाचा घटक बनतील। 29 जुलैला अंबाला एअरबेसवर वायुदलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया यांनी राफेलचं स्वागत केलं होतं। पहिली 5 राफेल विमानं ही वायुदलाच्या 17व्या गोल्डन एरो स्क्वाड्रनमध्ये दाखल आहेत। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह CDS जनरल बिपिन रावत, DRDOचे प्रमुख जी सतीश रेड्डी, दसॉल ॲव्हिएशनचे प्रमुख एरिक ट्रॅपियरही या सोहळ्याला उपस्थित असतील। राफेल विमानांची आज सुरुवातीला सर्वधर्म पूजा करण्यात येईल आणि त्यानंतर राफेल तेजस या लढाऊ विमानांच्या तसंच सारंग हेलिकॉप्टरच्या हवाई कसरती होतील। 3 ते 4 राफेल विमानांची पुढची तुकडी ऑक्टोबर महिन्यात तर तिसरी तुकडी डिसेंबर महिन्यात दाखल होतीय। राफेल विमान आज औपचारिकरित्या वायुदलात दाखल होणार आहे आणि त्यासाठी हा अतिशय ऐतिहासिक असा सोहळा अंबाला एअरबेसवरती होणार आहे। राफेल संरक्षण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत शानदार सोहळा रंगणार आहे। राफेलची गोल्डन एरो स्क्वाड्रन कार्यान्वित होणार आहे। या संदर्भात अधिक माहिती देतात थेट अंबालातून आमचे प्रतिनिधी मनीष शुक्ला। मनीष, क्या अधिक जानकारी है? लगातार हम सुबह से ये एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त रफाल जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए यहाँ खड़ा किया गया है। अगर आप बाएं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो एयरफोर्स मेन हैं, ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अलग अलग जो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है क्योंकि काफ़ी बड़े गेस्ट आ रहे हैं। हम जानते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, इसके साथ ही फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर आने वाली हैं, तो सभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब आने का जो सिलसिला है जो VVIPs हैं उनका शुरू हो रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पर सभी होंगे। और जिस जगह हम खड़े हैं ठीक उसके आगे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये टारमेक एरिया है जहाँ पर जो फाइटर जेट्स हैं वहाँ पर लैंड करते हैं या वहाँ से टेक ऑफ करते हैं। काफ़ी ये सिक्योर जगह है क्योंकि कल से हम लगातार देख रहे हैं कि ये चूंकि एयरबेस अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, यहाँ की जो ताकत है जिस तरीके से रफाल जेट यहाँ शामिल हो रहे हैं, जाहिर तौर पर हमारे दुश्मनों को ये अच्छा नहीं लगेगा। अब पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पर जिस तरीके से हमले की साजिश रची थी उसको देखते हुए सारे जो हमारे एयरबेसेज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। और रफाल जो है इस वजह से भी काफ़ी खास है क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि रफाल जेट में काफ़ी मॉडर्नाइज वेपन्स हैं, जो इसमें मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं एयर टू एयर बियॉन्ड द विजुअल रेंज, जो दुश्मन के टारगेट को ख़त्म कर सकते हैं। जब हमने बालाकोट पे जैश मोहम्मद के टेरर कैंप पर अटैक किए थे उसके बाद से चाइना ने पाकिस्तान को कई रडार्स दिए हैं, जो उन्होंने लगातार हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती है उससे ये पता चल रहा है कि बॉर्डर्स पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान ने ऐसे रडार्स लगाए हैं ताकि वो दूर से हमारे फाइटर जेट्स के मूवमेंट को देख सकें। और ऐसी स्थिति में अब आपको ऐसे फाइटर जेट्स की ज़रूरत है जो दुश्मन के रडार्स को भी चकमा दे सके, उसके पास ऐसे वेपन हों जो अचूक हों, ऐसी मिसाइलें हों जो 100% आपको रिजल्ट दें, और ये सारी ज़रूरत जो है इस वक्त जो रफाल है वो पूरी करने वाला है। जी, शुक्रिया मनीष, आपने दी हुई सारी जानकारी के लिए।